परंपरा से आती थी। जैसे रोहिणी हथंगड़ी, उनके जो फादर थे उनका अपना मराठी कंपनी थी। जयश्री, जो जयश्री थी वो गुब्बी कंपनी के जो बहुत पुरानी एक थिएटर कंपनी है, जो हम सुनते हैं ना रेन मशीन्स और थंडर मशीन्स, जहाँ 150 लोग बैकस्टेज करते हैं, वो उस परंपरा से आई थी। जो जो भी 5-6 लड़कियाँ थी, ज्योति देश पांडे, गोविंद देश पांडे की बहन, दे ऑल केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ थिएटर प्रैक्टिशनर्स। अपनी फैमिली में कंपनीज थी। मेरे जैसे एंग्लिसाइज लड़की, अमृतसर की पली हुई, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, कहाँ से वो फतूर दिमाग में आया कि एनएसडी ज्वाइन करने, पता नहीं। और उस जमाने में क्योंकि पेरेंट्स काफी भोले थे उस सिलसिले में, उनके लिए ठीक है डॉक्टर नहीं बनी, इंजीनियर नहीं बनी, चलो कुछ आर्ट कर ले शादी से पहले, तो कुछ उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया। और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी घर में, ब्रदर डॉक्टर था, यू नो जैसे चलो स्पेशल यू कैन से इंडिफरेंस, कि अब बहुत बच्चे हो गए, चलो छोटी जो भी करती है करने दो। सो आई वेंट इनटू थिएटर रियली बाय डिफॉल्ट। सो मेरा प्रॉब्लम ये था कि ना मैं हिंदी बोल सकती थी ना पंजाबी। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जो भी काम वहाँ होता था वो हिंदी में था। अगर रोहिणी महाराष्ट्र से थी, वो मराठी हिंदी, मराठी का वो फोनेटिक्स हिंदी में आता था, पर हिंदी की जानकारी थी। नसीर वॉज अ वेरी गुड एक्टर इवन देन। ओमपुरी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टर, क्योंकि उस जमाने में कहीं ना कहीं थिएटर एक जरिया था फिल्म्स तक पहुंचने का, क्योंकि ये सब उसी फिल्म में, क्योंकि उसी वक्त में श्याम बेनेगल, गोविंद नैलानी, जो हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं ना, उसकी कहीं ना कहीं बर्थ हो रही थी, जहां आपको खूबसूरत चेहरे नहीं चाहिए, टैलेंट चाहिए। तो इट वाज काइंड ऑफ साइमल्टेनियस कि एक मूवमेंट भी चल रहा था आर्ट सिनेमा का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भी स्थापना थी। सो इन दैट सेंस यू नो आई थिंक जो भी आए, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, कुछ कॉन्शियसली, और मेरे जैसे जो बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि वो क्या होगा, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थी। यू नो आई वाज वेरी गुड इन लिटरेचर बट वेरी पुअर ऑन द स्टेज, सो वो कॉन्ट्रडिक्शंस थी अपनी जगह ढूंढने में। फाइनली नीलम मैम, आपको अपनी जगह जो तलाश जो आपकी थी वो कहाँ जाकर पूरी हुई, और आपका फर्स्ट प्ले जो आपने डायरेक्ट किया वो कब किया और कौन सा था? मेरी शादी हुई तो मैं बॉम्बे चली गई, तो उसी वक्त नसीर और ओमपुरी और ये सब फिल्म इंस्टीट्यूट से अपना कंप्लीट करके बॉम्बे आए। तो हमने एक थिएटर कंपनी फॉर्म की, पर वो ऐसे ही कुछ किया कुछ नहीं, हाँ, किया मजमा ओमपुरी की, या फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग भोपाल हो गई, तो वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पीरियड था, क्योंकि वहाँ एक रेपिट्री की स्थापना हुई, शायद देश की पहली हिंदी रेपिट्री, जिसका नाम था रंगमंडल, जो भारत भवन का एक हिस्सा था। तो वहाँ बीवी कारंत, जो बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं, नाटककार नहीं, नाटक निर्देशक हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, गिरीश कर्नाड के साथ काफ़ी फिल्में भी की हैं, वो वहाँ उनके डायरेक्टर बन के आए और मैं उनके साथ जुड़ गई। तो वहाँ काफ़ी हमने सोचा कि क्या दिशा होनी चाहिए इंडियन थिएटर की। अब इंडियन थिएटर भी तो एक बहुत बड़ा लफ्ज है, क्योंकि यहाँ रीजनल वेरिएशंस इतनी ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि अपनी परंपरा से कुछ ढूंढो, क्योंकि उससे पहले जो भी ड्रामा स्कूल्स थे, पूरी जो ट्रेनिंग होती थी वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न ट्रेनिंग सिस्टम्स पे आधारित था, क्योंकि कोई लोकल ट्रेनिंग के जरिए ही हमने नहीं बनाए, हमने कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। तो सबने सोचा अपने प्रांत में जाओ और वहाँ जो भी फोक ट्रेडिशंस हैं उनके साथ एक संबंध होना चाहिए, और वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा जो डिफरेंट होगा, जो जिससे आप अपने अर्बन एक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो वो 4 साल बहुत जरूरी रहे। फिर जब मेरी हस्बैंड की ट्रांसफर फिर दोबारा चंडीगढ़ हो गई, तो मैंने एक बात बांध के रख ली कि जो भी काम करूंगी अपनी भाषा में करूंगी और अपने लोगों के साथ करूंगी,
ये नहीं कि मैं बाहर से एक्टर इम्पोर्ट करके उनके साथ काम करूंगी, तो कहीं ना कहीं रीजनल एक खुशबू होनी चाहिए। सो हर एक जो प्ले किया है, कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत बेहतर था उससे, कहीं ना कहीं हर एक प्ले एक तरह की ग्रोथ का एक हिस्सा था। अब मैं 20-25 साल पीछे देखती हूँ तो वो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जो मैंने खुद किया है, तो बहुत जरूरी है कि अपना ही काम रिजेक्ट करो। जितनी देर अपना काम रिजेक्ट नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्रिटिसाइज किया तो आगे बढ़ने के एक रास्ता ढूंढना। तो नीलम मैम, जैसे आपको 30 साल, आप मान ले 25-30 साल हो गए आपको इस फील्ड में, कभी कभी इस तरह का फील है कि एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए फाइनेंशियल बैकअप बहुत जरूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे आते हैं हमारे कि जो स्ट्रगल करते हैं तो, लेकिन एक स्टेज नहीं मिल पाती, तो टैलेंट होने के बावजूद भी वो इस विधा से हट जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं क्योंकि नौकरी करती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो कहीं ना कहीं वो एक रोजी रोटी का जरिया है, पर थिएटर के हिसाब से कमाने का, एटलीस्ट रीजनल थिएटर में, इट्स रियली वेरी प्रॉब्लमैटिक। मतलब कुछ है ही नहीं। मैंने एक ग्रुप चलाया है 25 साल से, वही लोग मेरे साथ 25 साल से काम कर रहे हैं, और शायद हम एक ही ग्रुप है जो 25 साल से इकट्ठे हैं। लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, एक बिलीफ है, और एक मेरी तरह, एक तरह से मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। मुझे लगता है कि रमन हो, रॉकी हो, गिक करेवाल, पैमला, पायल, मेरे फोक म्यूजिशियंस मेहर चंद, अमरजीत, ये नहीं कि वो आते हैं, हम काम करते हैं और बाय बाय टाटा, नहीं, हम एक दूसरे की जिंदगी के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अब उनकी शादियां हो गई हैं, कुछ लोग बॉम्बे चले गए हैं, पर जब भी मैं काम करती हूँ वो आने को तैयार हैं, क्योंकि मैंने ये माना है कि मैं कॉस्ट्यूम्स पे भले ना पैसे खर्च करूं या सेट पे, बट आई एम वेरी वेरी केयरफुल अबाउट पेइंग माय एक्टर्स। अभी भी पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, पर जो भी मिलता है वो एक्टर्स पे में बच जाता है। जब उनको पता है कि मैं कुछ नहीं कमा रही, तो एक तरह का एक ट्रस्ट, फाइनेंशियल ट्रस्ट हो जाता है। बट द थिंग इज के बहुत, इट्स रियली सैड, कितने सालों के बाद भी, और समबडी लाइक मी हूज बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अभी हम केरला जा रहे हैं शो के लिए, टिकटें भी मैं बुक करती हूँ, एयर की, ट्रेन की कोऑर्डिनेशन मैं करती हूँ, सबको इकट्ठा मैं करती हूँ, रिहर्सल मैं करती हूँ, कॉस्ट्यूम्स मैं करती हूँ, सेट्स मैं करती हूँ, खाना मेरे घर से आता है। सो मतलब काफी प्रॉब्लमैटिक है। अब यहाँ से तो मैं किसी को 12 महीने साल में एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकती, तो सब अपने अपने भाग दौड़ में लगे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी मेरा बस चले, मैं अपने एक्टर्स को कहीं ना कहीं कोई काम दिलवा दूँ, जिससे बट यस, यू नो, मोस्ट लॉट ऑफ देम हैव गॉन टू बॉम्बे, सो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कभी इस तरह का सोचा मैम कि सरकार क्यों नहीं इसमें मदद करती? सरकार मदद करती है, मदद करती है। मतलब जैसे मुझे एक सैलरी ग्रांट मिलता है, इतना ज्यादा नहीं होता कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको, क्योंकि 4-5-6 हज़ार में कोई महीने के लिए नहीं आएगा, और खासकर जब आप एक दिन की शूटिंग टेलीविजन में 10 हज़ार कमा सकते हैं, तो महीने के लिए 6 हज़ार में क्या आपको कमरा मिलेगा, क्या आपको आप बच्चे पाल सकते हैं, क्या आप उनकी स्कूल की फीस भर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना है कि जैसे इकोनॉमिक्स बदल रही है देश की, वैसे ही उनको भी, कलाकारों के लिए भी बदलना पड़ेगा। मैंने लड़ झगड़ के ये किया है कि आप एयर टिकट दो कुछ सीनियर कलाकारों को, और जो ट्रेन में जाते हैं सेकेंड क्लास 2-tiered AC, आप रहने का बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल फी इतनी कम होती है कि मुझे वो सैलरी ग्रांट से एडजस्ट करना पड़ता है कि जो भी शो करे उनको अच्छी पेमेंट मिले।
आपका जो थिएटर ग्रुप है, जो आपका द कंपनी है, जो आपने फॉर्म की है, इसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है रूरल और अर्बन कलाकारों का सम्मिश्रण, तो इन दोनों को ट्रीट करते हुए, इन दोनों अलग अलग क्लास को डायरेक्ट करते हुए कभी प्रॉब्लम महसूस हुई? देखिए, शुरू शुरू में अभी 25 साल हो गए हैं, अभी तो अर्बन कौन है रूरल कौन है ये मेरी समझ में नहीं आता। ये जो लोक कलाकार थे, जैसे मैंने कहा कि हमने एक स्पेस बनाई भोपाल में और ये सोचा कि हमें जो भी ट्रेनिंग करनी है मॉडर्न एक्टर्स की, हम वेस्टर्न तरीकों से नहीं जाएंगे, हम अपनी परंपरा में जाएंगे। तो उस सिलसिले में मैं काफ़ी घूमी पंजाब में, तो मैं नकालों से मुलाकात हुई, तो ये जो लोग आए मेरे कंपनी में, इन्होंने काम किया, तो मुझे लगा कि इनके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चरिंग में इतनी सोफिस्टिकेटेड ड्रामेटिक जुबान छिपी हुई है जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे सोहिनी मेवाल किया, तो एक कैरेक्टर आती है और कहती है तुम कौन हो, मैं सोहिनी हूँ, मिठास के साथ, नहीं तुम कौन हो, मैं मटका हूँ, तो एक कैरेक्टर मटका बनती है, मतलब एक कैरेक्टर को आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड जुबान है। या आपने एक टीन का डब्बा लिया और उस पे आपने डंडे के साथ साउंड करना शुरू किया, तो ऐसा आप माहौल बना सकते हैं जैसे एक युद्ध हो रहा है। तो फिर उनके पास गायकी है, उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान है, मूवमेंट का ज्ञान है, तो मुझे लगा कि, और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ अल्यूजन एंड रियलिटी और शिफ्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स, उनके हीरोज कभी मरते नहीं, वो बार बार जिंदा और जीवित हो जाते हैं, मतलब तो कुछ बहुत अच्छे एलिमेंट्स लगे। तो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, पहले वो म्यूजिशंस के तौर पे या कोरस के तौर पे, पर अब तो वो एक्टर्स जो साथ साथ अर्बन एक्टर्स के साथ आते हैं। और एक तरह मैंने ये रूरल डिवाइड अपनी तरफ से जो बिल्कुल हटाने की कोशिश की, वो कि मैंने कभी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया पेमेंट में या रहन सहन में या खाने पीने में या ट्रैवल में या इज्जत में या एक्सपोजर में। सो उससे भी एक इक्वालिटी और पूरा एगालिटेरियन और डेमोक्रेटिक ग्रुप है। तो ये थे हमारे पल दो पल में आज के खास मेहमान नीलम मानसिंह। नीलम जी, आप हमारे शो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपके मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं, कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।